नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों पेन ड्राइव से रिलेटेड है, जिसमें आपका डाटा तो रहता है। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था जिसने ये पेन ड्राइव लिया था अमेजोन से, कहीं से भी ले सकता है वो, आपका दोस्त हो सकता है, मेरा दोस्त था उसने लिया था। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली उसके साथ में क्या हुआ, मैं पेन ड्राइव लगा के आपको बता दूँ, मैं पेन ड्राइव प्लग इन करता हूँ कंप्यूटर पर। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है, तो देखिए यहाँ पे ये पेन ड्राइव है, डिस्क्रिप्शन में लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सैन डिस्क का एक पेन ड्राइव, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए फाउंड डॉट ट्रिपल जीरो का ये एरर है, और सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, ये दो फोल्डर बने हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये फाउंड डॉट मतलब यहाँ से आप इसको देखेंगे प्रॉपर्टीज में जाके, इसकी मेमोरी तो 10.2 GB की उसने ऑक्यूपाई की है और फ्री स्पेस है 19.5 GB की। अब सवाल यह है कि अगर उसने ऑक्यूपाई 10.2 GB किया है तो यहाँ पे आपका डेटा कहाँ पे है, तो डेटा इस फाउंड डॉट ट्रिपल जीरो फोल्डर में। तो यहाँ पे पूरे फाइल मतलब तकरीबन 1000 मतलब 1047 के तकरीबन फाइल है, 1000 के ऊपर फाइल है, ये पूरे .ch के है। अभी इसमें कुछ वर्ड फाइल है, कुछ PDF फाइल है, इसको आपको इसके ओन लोकेशन पे मतलब जैसे वर्ड होगी तो वर्ड, PDF होगी तो PDF को कन्वर्ट करना है। तो वन बाय वन तो नहीं करेंगे, 1000 फाइल है, बहुत समय होगा और पता भी नहीं है कि कौन सी वर्ड फाइल है कौन सी PDF फाइल है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे चैनल पर दो वीडियो दिए थे, एक था करप्टेड फ्लैश ड्राइव हाउ टू फिक्स विदाउट फॉर्मेटिंग, ये भी बहुत लोगों के काम आया। बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो आज हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं डॉट सी एच के फाइल को उसके बेस ओरिजिनल लोकेशन पे सॉल्व करने के लिए। दूसरा था हमारा ये वाला हाउ टू कन्वर्ट डॉट सी एच के फाइल्स टू ओरिजिनल, इसमें भी मैंने जो डॉट सी एच के फाइल्स है उसका भी सोल्यूशन बताया है। बट इसमें क्या होता है ना, जो इमेजेस है वही कन्वर्ट होती थी, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे सोल्यूशन है, बट वो मैन्युअली था। बट आज का जो वीडियो है, ये जो हमारा डिस पीसी में आपका पेन ड्राइव है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो सकता है क्या उसके बेस लोकेशन पे? जी हाँ, ये हो सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन था ताकि आपको मेन सब्जेक्ट समझ सके। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में ये वाला डी सी एच के ये वाला सॉफ्टवेयर देखना है। अब कहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये रही वेबसाइट, अब इस वेबसाइट पे आइए और इसको सर्च करिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वेबसाइट के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करिए और यहाँ पे 15/4/2012 का एक फोल्डर बना हुआ है जो डाउनलोड के लिए, डी चेक वर्जन 2.1 एज ए जी, तो इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया है, अब डाउनलोड फोल्डर पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, अब राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आएगा, बस एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको आपको रन करना है, रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक करिए, ओपन करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए, दोनों सेम बात है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, उसके बाद में आपके लिए एक यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, उसे यस कर दीजिए। अब जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे ये भाषा में आपको दिखाई देगा, आपको ये भाषा समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेकंड जो फ्लैग है इस पर क्लिक करिए तो इंग्लिश में ये कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ सी एच के फाइल्स, ये मेन सीटिंग है दोस्तों, डायरेक्टरी ऑफ सी एच के फाइल्स, सी एच के फाइल्स कहाँ पे है, ये फोल्डर जो आइकॉन है ना यहाँ पे क्लिक करिए। अब डायरेक्टरी फाइल कहाँ पे है हमारी, हमारी सैन डिस्क में है, ये वाली फाउंड डॉट जीरो जीरो, पेन ड्राइव का यहाँ पे पाथ दे देंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब आउटपुट, ये जो फोल्डर्स है, ये फोल्डर की जो भी डॉट सी एच की फाइल्स होंगी वो कहाँ पे चाहिए हमें, हमारे जो फोल्डर होगा वहाँ पे हमने जो डिसाइड किया, तो हम डिसाइड कर लेते हैं, फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं इस पीसी में डेस्कटॉप और यहाँ पे डाटा प्रिंटर, ओके करते हैं। तो हमारा जो भी डेटा होगा वो डेस्कटॉप पे डाटा प्रिंटर में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा प्रिंटर फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। अब यहाँ पे जो सेटिंग करनी है वो तो सेटिंग हमने कर दी। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पे जो सैंडिस्क है इसको आप फॉर्मेट करेंगे तो डेटा चला जाएगा, फॉर्मेट करेंगे तो बैकअप नहीं लेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका वो डेटा नहीं रिकवर करके देगा। तो यहाँ पे ये यह हो गया। अब यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर ने ये सेटिंग कर ली है, अब बस आपको यहाँ पे इसे गो करना है। आप जैसे ही इसे गो करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे फोल्डर पे भी देखेंगे, इसको फोल्डर को थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं। ये देखिए ये फोल्डर ओपन है, यहाँ पे हमारा यहाँ डेटा आएगा, इसे गो करते हैं। ये देखिए फाइल्स कन्वर्ट हो रही है और इस फोल्डर में देखिए ये ऑटोमेटिक बन रही है, आप देख पा रहे हैं उसने कन्वर्ट भी कर लिया है, जो भी फाइल कन्वर्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है, हर वो फाइल जो बेस लोकेशन पे थी, जैसे ये पीडीएफ थी तो ये पीडीएफ ही बन रही है, बट नंबर नहीं चेंज हो रहे। बट आपको एक बात यहाँ से देखना है कि आपका डेटा वापस आ रहा है, अब ये डेटा मैंने यहाँ पर लिए, जो भी फाइल ओपन करेंगे उसमें से डेटा आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल हो वो कन्वर्ट कर सकते हैं डी चेक वर्जन 2.1 से। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के टेक्निकल वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ में धन्यवाद।